मित्रों नमस्कार, पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। मित्रों, आज का टॉपिक है कुंडली का अष्टम स्थान केवल हानि ही नहीं बल्कि लाभ भी देता है। जी हाँ मित्रों, बड़ा ही तार्किक और बड़ा ही समसामयिक टॉपिक। हम चाहेंगे जरूर आप इसको ध्यान से आज से अंत तक देखें। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मेरा अनुरोध है कि अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल की घंटी आती है उसे जरूर जरूर पुश कर दें, मित्रों को शेयर जरूर करें और सभी दर्शक मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामना। मित्रों आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रश्न मित्रों जन्म या प्रश्न कुंडली दोनों से हल किया जा सकता है। मित्रों, इस संसार में ईश्वर ने या प्रकृति ने कोई चीज निरर्थक या अनुपयोगी नहीं बनाया। सारी चीजें कम बेसी उपयोगी हैं और उसके उपयोग की विधि लाभ या हानि देती है। काल पात्र और स्थान बस चीजों के गुण दोष बदल जाते हैं। वही स्थिति यहां भी है। कुंडली का हर भाव अनायास नहीं है। आदमी कुछ खोता है तो कुछ पाता है, जहां कोई गैप होता है वहां कुछ भरता है। तो कल हमने एक वीडियो दिया था जिसमें लिखा था कि किस प्रकार से आदमी को व्यक्ति को कौन सा समय अपमान और बदनामी का होता है। तो मित्रों, उसमें हमने दिखाया था कि दशम स्थान में बैठा हुआ ग्रह या दशमेश अगर अष्टम में बैठे हुए ग्रह या अष्टमेश के नक्षत्र में हो तो उस कालखंड में बड़ा अपमान और बदनामी। ठीक उल्टा उसका मतलब कहा था हमने कल एक नया वीडियो में। आज हम अष्टम स्थान में बैठे हुए ग्रह और अष्टमेश से संबंधित लाभ पर बातें करेंगे। अष्टम स्थान मित्रों यही स्थान, अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह बैठा या सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और अष्टमेश, मान लीजिए इस कुंडली का हम कष्ट चार्ट में हमेशा नैसर्गिक कुंडली देते हैं, कुदरती कुंडली आप कह सकते हो, या मंगल की राशि है या मंगल या इस भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह किस प्रकार से लाभ देता है, लाभकारी होता है। क्यों अष्टम को हम हानि मान लें कि कोई ग्रह अष्टम में है अष्टमेश है तो हानि देगा, ये उचित नहीं। बहुत मायने में लाभ भी देता है और उस तरह के लाभ बिना अष्टम से रिलेटेड हुए नहीं मिल सकते। तो मित्रों आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। अष्टम का उप नक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 भावों का कार्येश, यही अष्टम भाव है। अगर कस्पल सिग्निफिकेटर आप निकाले, हम बराबर बताए हैं कि कुंडली निकलवा लीजिए अपने सॉफ्टवेयर से देखिए या कहीं जहां कुंडली निकलती है ऐसे कंप्यूटर की दुकान से सॉफ्टवेयर से अपनी कुंडली निकालवाइए और उसमें कस्पल सिग्निफिकेटर, प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर, लग्न चार्ट और कस्प चार्ट, इन चार्टों का अध्ययन करें। तो कस्पल सिग्निफिकेटर्स में अगर अष्टम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 भाव का कार्येश हो या इनमें से किसी भाव का कार्येश हो अधिकतम भाव, तो मित्रों इस तरह के लाभ उस व्यक्ति को मिलते हैं। क्षतिपूर्ति है, कंपेंसेशन जिसको आप कहते हैं, कोई चीज है क्षति हो गया तो उसकी पूर्ति है। फंड है जैसे बीमा है या प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है सर्विस समाप्त होने के बाद अंत में ग्रेच्युटी मिलती है कर्मचारियों को, बीमा भुगतान है कोई LIC आप कराए उसका बीमा है, और वसीयत नामा मतलब जो मरने के पहले व्यक्ति वसीयत लिख देता है, मृत्यु पत्र लिख देता है, मरने के बाद जो संपत्ति धन मिलता है वो मृत्यु पत्र से प्राप्त होने वाला धन, इस तरह से अनेकों ऐसे धन मिलते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते जो अष्टम से रिलेटेड है। तो इस तरह के धन मिलते हैं मित्रों।
दूसरी चीज अष्टम का उपनक्षत्र स्वामी, यही अष्टम भाव है, इसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर चतुर्थ भाव का भी कार्य हो, चौथे चौथे का भी कार्य तो मंगल से किसी प्रकार संबंध, मतलब मंगल की राशि में, नक्षत्र में, दृष्टि में और ज्योति में हो, उपनक्षत्र में हो, सरसव नक्षत्र में हो, तो उस व्यक्ति को वारिस के अधिकार, मतलब मृत्यु के बाद जो वरास्तम पैतृक संपत्ति हो उस अधिकार से भूमि मिलेगा, भवन मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वारिस के अधिकार से था। बहुत से लोग हैं पूछते हैं क्या वारिस के अधिकार से मुकदमा चल रहा है मुझे मिलेगा कि नहीं, तमाम लोग विवादित कर देते हैं, तमाम उल्टा सीधा दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लिखवा लेते हैं, पड़ोसी पटीदार विरोधी फंसा देते हैं कोर्ट में, तो ये चीजें कुंडली निर्णय कर देगी या प्रश्न कुंडली निर्णय कर देगा या आपको औरास्तन संपत्ति भूमि मिलेगी कि नहीं। तो अगर चतुर्थ का सब लॉर्ड, अष्टम का सब लॉर्ड, चतुर्थ भाव का कार्य, चार का कार्य और मंगल से संबंधित, तो इस प्रकार की संपत्ति मिले। अब मित्रों ये धन और संपत्ति कब मिले? अष्टमेश अथवा अष्टम में स्थित ग्रह, 2, 6, 11 भाव में 2, 6 और 11 है, इन भावों में स्थित ग्रहों के नक्षत्र अथवा इन भावेशों के, जैसे इस भाव में चाहे सूर्य है, बुध है, शुक्र है, जो भी ग्रह है इनके नक्षत्र में अष्टमेश हो या अष्टम में स्थित ग्रह अथवा जो अष्टम में भाव में इन तीनों भावों में राशियां है, जैसे यहाँ शुक्र है, यहाँ शनिश्चर है, यहाँ बुध है, इस कुंडली में है, ऐसे हर कुंडली में अलग अलग, तो इनके नक्षत्रों में जो अगर यह ग्रह हो तो इनकी दशा अंतर दशा इस तरह के धन पर्याप्त रूप से आपको मिलेंगे। मित्रों 2, 6, 11 भाव में स्थित ग्रह या 2, 6, 12 के भावेशों के नक्षत्र में अगर अष्टम भाव में स्थित ग्रह या अष्टमेश है तो इसकी दशा अंतर दशा इस तरह के धन जिसका विवरण हमने दिया है ऊपर क्षतिपूर्ति फंड लोक चुकी से लेकर के सब आपको पर्याप्त रूप से मिलेगा। तथा मित्रों अवैध धन भी इस तरह इस कालखंड में मिलता है, ऐसे दशाओं अंतर। अवैध धन का मतलब जैसे घूस का धन हुआ, कोई गुप्त धन हुआ, कोई गायब हुआ धन हुआ, कोई भूगर्भ निधि हुआ, इस तरह से अवैध धन, पाप की कमाई, अपराध की कमाई, ठगी की कमाई, जो आड़े हाथों लिया जाता है, फंसने पर इसमें वार होता है, अवैध उसको कहते हैं, जो अधिकृत नहीं है वो भी धन मिलता है, इसे बेईमानी का धन जिसको कहते हैं, सब प्रकार के धन अष्टम स्थान से देखे जाते हैं। अष्टम स्थान में बैठा हुआ ग्रह या अष्टमेश अगर 2, 6, 11 भावों के स्थित ग्रहों या उन भावेशों के नक्षत्र में स्थित है तो ऐसे ग्रहों की जो इसमें बैठे हुए ग्रह या अष्टमेश की दशा अंतर दशा में इस प्रकार के धन पर्याप्त रूप से मिलते हैं। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मेरी अपेक्षा है एक बार नहीं कई बार मैं वीडियो को देखा है, मैं प्रत्येक पॉइंट पे टॉपिक पे बराबर वीडियो देता रहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरा सब वीडियो बारी बारी से एक बार नहीं कई बार मैं आप देखोगे तो निश्चित रूप से एक इनाम प्रवीण और कुशल और पात्र ज्योतिषी हो जाओ, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ काफी लंबा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सबको, नमस्कार।